हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, है ना, वो सब उसमें लिखा हुआ है। यस्टरडे का, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ये सब आपको अगर डिस्प्ले नहीं समझ में, ये कंडीशन समझ में आ गई आपको, है ना। अब एक बात और समझ लो, यहाँ पर एक एक करके सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। ये जो ट्रीट को मास्क के अंदर आपको सेंटेंस दिया हुआ है ना बच्चों, ये सेंटेंस है। सेंटेंस पांच तरह के होते हैं हमारे, किसी बात को कहने के पांच तरीके हमारे पास होते हैं। एक तो असर्टिव, जो कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट से शुरू हो, एक इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, डब्ल्यूएस फैमिली या फिर हेल्पिंग ऑफ स्टार्ट होगा। एक इंपेरेटिव होता है, एक ऑपरेटिव सेंटेंस होता है, और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, पांचों में से कोई एक ही होता है, अपनी बात तो लिख कर रहे हो ना सेंटेंस लिख के, फिर पांचों में से कोई एक ही रहा होगा, है ना। तो उन्हें चेंज करने के अलग अलग तरीके हमारे पास हैं, यहाँ पे समझ में आ गए। इसके अलावा जब भी डायरेक्ट स्पीच पे आएंगे तो बच्चों पर्सन बहुत मायने रखते हैं, कि पर्सन तो हमेशा चेंज होंगे ही होंगे। पर्सन क्या होंगे? चेंज होंगे ही होंगे। वो होंगे कैसे? यहाँ पे जो मैंने सिंपल टेक्स्ट होते रिक्वायर्ड है, बहुत पुरानी बात हो गई, ऐसा हो तो है वो समझना। देखो, जब भी कोई इंसान बात कह रहा होगा, यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा होगा, तो बोल रहा होगा, कोई भी हो जाए उसमें, जैसे मैंने कहा ही सेड, तो बोल बोल रहा है, ही तो स्पीकर है, तो कोई सुन भी रहा होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो रिपोर्टिंग फॉर्म में दो ही पर्सन पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा, स्पीकर और लिसनर। तो जो बोलेगा या सुनेगा वो मेंशन होगा बस यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ के स्पीकर को इसके स्पीकर से चेंज करूंगा, यहाँ के लिसनर को इसके लिसनर से, समझ में आ गए। अब क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं होता जिसके बारे में बात की जा रही होती, इसलिए थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होगा। जानना के लिए इस बात को, स्पीकर को किससे चेंज करेंगे? स्पीकर से। लिसनर को किससे करेंगे? लिसनर से। और जो थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी उसे चेंज आप नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर मेंशन होता नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नोट बना के, रिपोर्टिंग वर्ड में ज्यादा से ज्यादा दो ही पर्सन मेंशन होते हैं, स्पीकर एंड लिसनर। स्पीकर तो हमेशा होगा ही होगा, स्पीकर तो हमेशा होगा ही होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में ज्यादा से ज्यादा दो ही पर्सन अवेलेबल होते हैं। अपनी भाषा में लिख दो, जरूरी नहीं है लिखना, अपनी भाषा में लिख दो, समझ में आना चाहिए बस आप। स्पीकर प्लस थोड़ा दिमाग लगाना, बाकी वो सिंपल टाइप से तेज जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अनुसार, और थर्ड पर्सन नॉट से। तो क्यों बनी कंडीशन? वो कंडीशन इसलिए था। अब समझ में आ रहे हो? तो अब एक एक करके यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, है ना, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो ध्यान शुरू करते हैं असर्टिव से। एक बार असर्टिव सेंटेंसेस खोल लीजिए आप अपने पेपर में, आपको मैं फिर कुछ बता देता हूँ। असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस, अब असर्टिव सेंटेंस का मतलब आपको ये दिए होंगे। असर्टिव सेंटेंस बनता, मैंने आपको पहले बताया सब्जेक्ट और वर्ब, जहां ये स्ट्रक्चर बनेगा ये सब असर्टिव होगा, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कंजक्शन क्या लिखेंगे? दैट, क्योंकि मैंने क्या कहा था, असर्टिव का मतलब होता है सर्टेन, सर्टेनिटी को शो करने का एक कंजक्शन होता है, वो क्या होता है आपका? दैट, ठीक है। जो आपकी से के साथ टू वाले फॉर्म होंगे, से के साथ जैसे टू लग जाएगा से के फॉर्म में, चाहे से टू हो चाहे से टू हो, वैसे ही इसमें टूट जाएगा टेल के फॉर्म में, इसमें टूट जाएगा टेल के फॉर्म में। अगर से टू है तो टेल हो जाएगा, से टू है तो टेल्स हो जाएगा, और अगर सेट टू है तो क्या हो जाएगा आपका? टोट हो जाएगा। बाकी पर्सन आपको चेंज करनी है, जैसे ही इन्वर्टेड कोमा रखेंगे कंजक्शन लगाए, जाने में यूनिवर्सल रूल को जनरल रूल को भी बदलेंगे नहीं, कि आपको सही लगता है तो धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे एनर्जी का ये सेंटेंस आपका असर्टिव है, आइए इसे डायरेक्ट में चेंज करो। सिंपल से चलेंगे, देखो सविता को ऐसे लिखो,
आप टू तो नहीं लिखा होगा इसके बाद, तो सेल्स का सेल रहेंगे। अच्छा अब असेंडिंग है ना, बाद में कोई डाउट तो है नहीं, कोई एरिया डाउट नहीं, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे बैट लग जाएगा। ये कंजक्शन मैंने आपको सारे पढ़ा रखे, यही कंजक्शन क्यों लगा उनका थोड़ा ध्यान देना ना, ज्यादा कंजक्शन लिख रहे हैं एक बार पढ़ लेना कंजक्शन। आप देखिए ये जो आई लिखा हुआ ये स्पीकर होता है कि नहीं होता? हाँ भाई। अच्छा यहाँ पर बोलने वाला कौन है? सविता। इसी के प्रोनाउन से चेंज करेंगे, जहां पर ये सब्जेक्ट लिखा हुआ तो उसकी डायरेक्ट आ जाएगा सविता। क्या है? फीमेल है, सी आ जाएगा। टेंस चेंज करेगी? नहीं नहीं करेंगे, इसके प्रेजेंट से प्रेजेंट में जाने दो। बस सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? नेक्स्ट माई फ्रेंड सेटूंगी, सेटूंगी इवेंट को दे कैसे लिखोगे बनाइए। माय फ्रेंड सेल को किस में चेंज होगा? टोल्ड। मी लिखू असर्टिव में तो क्या लगा दो यहां पर? ठीक है। अब ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को यहां पर नहीं होगा तो इसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा टेंस चेंज होगा? होगा, जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। आप ध्यान सुनना, जैसे ये पास्ट परफेक्ट बनेगा तो एगो भी किसमें टूट जाएगा? बिफोर में। ये एगो बिफोर टेंस में पढ़ाए होंगे, एगो बिफोर में आप पढ़ना जो कंडीशन बन रही है, कि बिफोर का यूज इसमें करना करना चाहिए। नंबर थर्ड रोम आई एम कैसे बनाएंगे डायरेक्ट? एक चीज सभी ध्यान से समझ लेना, दैट जितना टॉपिक कल आज आपको पढ़ाया जा रहा है ना, सीपीयू के मेंस में बैठती है आपको 42 से 45 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इतना बैठे फ्री के नंबर है आपको, आजकल तो एग्जाम में क्या कर रहा है, क्योंकि पैटर्न कोई रहा नहीं है, तो तीन तीन भी आपके पहले पेपर में मात्र 25 क्वेश्चन के अंदर ही 3 महीने दे देता है, या ट्रक के पैसे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगा। पेपर में 4-4 में आए हैं अभी जो सीएसएल हुआ है। देखो डेट लिख दिया, आई कौन है हमारा? स्पीकर है। यहाँ पर स्पीकर कौन है? रोहन। तो ये आ जाएगा। अब टेंस तो चेंज होगा क्योंकि पास्ट है, ही वो आ जाएगा। यू आपका कौन होता है? लिसनर होता है कि नहीं होता? लिसनर है। योर जो लिखा हुआ है ये किससे बदलेगा? सुमन। इसका पार्टिसिपेंट क्या होगा? और यहाँ पे क्या लिख लू? यू कौन है? लिस्टर है। सब्जेक्टिव केस है लिस्टर, सुमारी इसका सब्जेक्टिव केस की लिख दो। माई आई से बन के आया स्पीकर है, यहाँ पर स्पीकर कौन है? रोहन।
एक और लिख लो, एक और लिख लो, इसका बनाओ पहले। इसमें देखो कुछ नहीं करना आपको, माय मदर लगाओ, डेट लगा दी, ठीक है। बाकी सारा का सारा यूनिवर्सल रूप में कोई चेंज नहीं करना, पेपर निकालो। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना आपको, सेट या सेट टू या सेट टू के फॉर्म को या सेट के फॉर्म को आपको क्वेश्चन टाइप बनाना है ना, जो क्वेश्चन करेगा तो आस्क में क्वेश्चन में इंक्वायरी करेगा। इंटरोगेटिव का मतलब ही पूछताछ होता है, ठीक है। बाकी जो कंजेक्शन आप लिखेंगे वो तय करेगा कि इंटरोगेटिव है कौन सा। यदि इंटरोगेटिव आपका डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड ही क्या बन जाएगा उसका कंजेक्शन। बाकी सारे ट्रू बनेगा, पर्सन ऐसी चेंज होंगे और टेंस भी बिल्कुल सेम चेंज होंगे, ठीक है। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो अंदर लिखा हुआ है वो हेल्पिंग ऑफ द शुड हो, तो मैंने क्या कहा था वो हायर ना का जवाब मिलेगा उसमें, तो वहां पर अभी अनसर्टेनिटी है, तो उसके लिए इफिया वेदर कंडीशन का यूज है। इफिया वेदर इसलिए लिखा जाता है, बस इतना काम करना है, सेंटेंस लिखते चलो। आप लिख दीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, माय नॉर्मली आस्क में चेंज होता है, बाकी सेंस के बोलिंग माय फ्रेंड। अब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को क्या बना दो, कंजक्शन बना दो। जब कंजक्शन बना दिया तो एसआईटी मान लो, एसआईटी के हिसाब से चलो, यू कौन है हमारा यहाँ पर, यहाँ पर इसका कौन है आई। अब विल जो लिखा हुआ इसका पास्ट बनेगा वुड, एग्जाम्पल सेल के साथ शुड भी करके दे सकता है आप, तो मैं दोनों लिख देता हूँ, वुड लिख के फिर वुड भी से शुड लिख के शुड भी। माय टीचर Five.
आगे जी मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, सेंटेंस लिखो, माय टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई लिखू, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस बनेगा व्हाट आई वाज डूइंग, एरर क्या हो जाएगा देयर, याद रखना जितने न्यू पार्टी जितने भी क्वेश्चन इंटरोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे जो आपको बताए गए थे वहां पे केवल हाँ ना के जवाब मिलेंगे, उसके अलावा कोई जवाब नहीं। अभी फिर वेदर में से कोई भी कंजेशन नहीं होगा क्योंकि वहां पे शॉर्ट ही आई नहीं पता ही नहीं, हर फ्रेंड लिखा हुआ है थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, पास्ट में नो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ये स्पीकर का ऑब्जेक्ट है, ये स्पीकर है, यहाँ पर निकल जाएगा। अब दोनों फिर इस पे एडवांस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तो और भी एडवांस बन सकते हैं, फिर सकते क्वेश्चन आपके यहाँ कभी कभी एग्जामिनर करता क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वहां पे भी क्लोज बना देता है, तो सेंटेंस आएगा ना यहाँ पर तो जो मेन क्लोज होगा वो तय करता है कि सेंटेंस है कैसा। अब यहाँ पे तो आपको एक एक सेंटेंस मिल रहा है, एक ही मेन वर्ब है, क्लोज बन ही नहीं रही यहाँ पर, अभी देखते हैं क्या क्या मैटर बनेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अनिल सेंटर में वाई रिड्यू हुई, उसके क्वेश्चन क्यों कर रहे हो सकता है वो इंक्वायरी कर रहे हो इस बारे में, उसके बारे में पूछताछ कर रहा हूँ कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, वहां पर ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसा आपको बेहतर लगे, रखना कुछ नहीं है आपको, है ना। आस्क तो आ ही जाएगा, ऐसे आ सकता है, तो अनिल आस्क मी ये भी सही है, या फिर इतना भी लिख सकता है कि उसने मेरे बारे में इंक्वायरी की, इंक्वायर्ड ऑफ मी, अब क्या लिखो वाई, पांच इंडेफिनिट पांच की फिट करेगा पक्का बनेगा, यू कौन है आपका लिस्नर है, और यहाँ पर लिस्नर आई है, एक होता है थर्ड पर्सन से चेंज होता है, किसी ऐसे भी ठीक है। अब क्या यहाँ पर आप आस्क लिख पाओगे, हाउ कैन आई टच सच अ फूलिश वर्ड, हाँ अगर यहाँ पे लिखा होता सी शेड टू हर्सेल तो फिर तो कंडीशन बन गई, लेकिन अगर अपने आप से कह रही तो सोच रही होगी बेचारे, इसके अलावा कोई है तो नहीं कोई बेचारा, तो थॉट में चेंज कर दो इसे, लिखा हुआ है ये आपने स्पीकर सी कैन का कूड हो जाएगा,
बाकी सब ऐसे रहने तो उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो चेंज हो रही है। आप एक बार देखो सेंटेंस को किस हिसाब से आप देखो क्या बोल रहे हैं जो भी पढ़ते हुए आए है ना, तो हमेशा मेन क्लोज को पकड़ना, मेन क्लोज को चेक करना है कौन से कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, कुछ मेन क्लोज वैसे वैसे सेंटेंस। इसका मतलब यहाँ पे मेन क्लोज है आपकी इट इज सर्टेन व्हेन तो कंजक्शन करने के लिए शुरू में दे दिया कंजक्शन है ना व्हेन, तो यहाँ पर मेन क्लोज क्या है आपके मेन क्लोज असर्टिव है, इसका मतलब सेंटेंस भी कैसा है आपका असर्टिव है। तो पूरे असर्टिव के हिसाब से बनाओगे, कैसे बनाओगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, बहुत से वैन को देखते मान लेते हैं इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नहीं है। अब क्या करो टोल्ड मी, अब दैट लगाओ वैन को ऐसे कैसे लिखो, दैट पता है क्यों लिख रहे हैं, दैट लिख रहे हैं किसको के लिए मेन क्लोज के लिए, इसके लिए मेन क्लोज के लिए वैन को इसके साथ लगी रहेगी, दो क्लोज लिखे जाएंगे वैन को भी लिख पा सके ऐसे। सी हो गया थर्ड पर्सन, मेन का हो जाएगा होल्ड, पर्सन चेंज करने करने बच्चों आपको इसका हो जाएगा वास और आप लिख लीजिए यहाँ पर सर्टेन। तो ध्यान रखना क्लोज भी मैटर करती है, अगर एग्जाम में सभी क्लोज से भी सेंटेंस बनाते तो वो भी आपको आना चाहिए। क्लोज मैटर करेंगे a
सेंटेंस किया सर? दो क्लोज बन रही है ना, व्हेन कंजंक्शन में टेक अप पैरासोल विद यू लिखा, तो ये इंपेरेटिव है कि नहीं है? इंपेरेटिव है। तो क्या करूं मैं, एडवाइस किया होगा, अब इसका कंजक्शन मत लगाना, कंजक्शन लगा के सब्जेक्ट देना पड़ जाएगा, वरना क्या जाएगा, टू इंफिनिटिव बनेगा, टू टेक पैरासोल, यू किसके लिए लिखा गया है, तो विद बी से विद प्रीपोजिशन तो नहीं आ जाएगा, यू सब्जेक्ट है, आई अब वो लिखा हुआ है सर, वेंट में चेंज कर दो, देखो कैसे बनाओगे, टीचर ने ऑर्डर किया होगा ना, अब निगेटिव है तो नोट पहले लगा लो, इन्फिनिटिव बनाने वाले अब सुनो ध्यान से, जो इस सेंस के साथ नोट को मिलाना चाहता है वो एक वर्ड फोर बिट यहाँ पर फोर बिट का सेकंड फॉर्म क्या, फोर बिट निगेटिव सेंटेंस से नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिक्वेस्टेड टू लगाओ, मी है स्पीकर, ये है रमन, इंग्लिश टू लेट इट स्पीक, माय टीचर सेड इफ इट इज रमन स्टूडेंट लेट इट प्ले, अगर रमन के बारे में तो उसे खेल ले दो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो हिम लिखा हुआ रमन लिखा हुआ ये दोनों कनेक्टेड है, रमन के लिए क्या लिखा है हमने हिम, इसका मतलब ये है कि जो इफ कंजक्शन लग गया, अब ये तो मेन क्लोज होगा नहीं, मेन क्लोज कौन सा है हमारा, तो इसे बनेगा, इसका मतलब ये शुरू में आएगा, तो शुरू में एक बात बताना, शुरू में प्रोनाउन आता है कि नाउन आता है, पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन, इसका मतलब जब मैं हिम को यहाँ पे लेके आऊंगा तो यहाँ पे रमन लिखा जाएगा, और उसके बाद में लेके जाऊंगा तो ये जाएगा, ठीक है, देखो अब टीचर ने आदेश किया है, माई टीचर ऑर्डर टू लेट हिम का मतलब रमन, इफ लगाइए, इट ऐसा क्या ऐसे रहेगा, इसका पास हो जाएगा क्योंकि पास टू लिखा हुआ है, रमन की जगह इस लिख दो और टर्न करो, चेंज होगा या तो किसी को सजेशन दे रहे होंगे, किसी के सामने को प्रस्ताव रख रहे होंगे, ठीक है, अगर से के फॉर्म के बाद टू लिखा हुआ है तो सजेस्ट के प्रपोज के बाद भी टू लगा देना, ऑब्जेक्ट को ऐसे लिख देना, अगर नहीं लगा हुआ है तो वहां पर भी लिखने की जरूरत नहीं, बाकी जो आपको लेटर्स है वो या तो देशुड में चेंज होगा या बीशुड में चेंज होगा, जब देशुड और बीशुड में बदल जाएगा तो आप इंफिनिटी में बनेगा, कंजक्शन चाहिए, क्या चाहिए, कंजक्शन, तो कंजक्शन क्या लग जाएगा आपका, रमन सेड टू सोम, लेट अस गो आउटसाइड, रिप्लीट
सजेशन नहीं, सिर्फ प्रस्ताव रखा है, चलो बाहर चलते हैं अपना खेलने चलेंगे 5 मिनट। तो आप करोगे क्या, आप यहाँ पर लिखोगे रमन और इनको सेड है ना, इसे प्रपोज में चेंज कर दोगे प्रपोज, और यहाँ पे कुछ ऐसे लिखोगे। अभी लेटेस्ट जो है इसे दे शुड में चेंज करेंगे, बी शुड में, वो चेक करेगा कि बात किस किस के बीच में हो रही है, किस किस के बीच में बात हो रही है। अगर मैं रमन सुमन तो दोनों नाम है, क्या प्रोनाउन में नहीं पढ़ाएगी तो जैसे नाम कनेक्ट होंगे थर्ड पर्सन के, वो दे बन जाएंगे, दो थर्ड पर्सन के दे बन जाते हैं ना, ये प्रोनाउन में लिखा रहता है तो दो पर्सन आपसे कनेक्ट होते हैं तो चार्टर जनरेशन दैट लगाओ। सजेशन कर दिए क्या हम मकान खरीद लेना चाहिए, लिखा होता आई सेड टू माई हस्बैंड तो भी फर्स्ट पर्सन के साथ कुछ भी कनेक्ट होगा, पर्सन तो बी बन जाएगा, तो ये तय करेगा इन दोनों का, तो नाम रिवर्ट कर दूंगा। इसमें आपको पता कैसे चलेगा, विस्मय बोधक होते हैं, इंटरजेक्शन का यूज होगा। इंटरजेक्शन का मतलब जब कोई शब्द अचानक से बोले, चाहे वो दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे खुशी में हो, इंटरजेक्शन ये होता है। यहाँ पर लिखे हुए सेंटेंस में इसका सेंटेंसेस में इंटरजेक्शन को लिखने का मतलब ये भी बात को कहने इस तरीके को होता है, अपनी फीलिंग को व्यक्त करने का। जैसे आपने अलास बोल दिया सेंटेंस में, तो अलास ने इंटरजेक्ट सीधा ये बता दिया कि दुख के लिए बात की जा रही है, उसमें कुछ दुख है ना। अगर बुरे लिख दिया तो खुशी के लिए, जिसे आप अपनी गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, ऑफ बेटे, कभी बोलोगे यार सिर पकड़ के बैठ जाओगे, तो ये हिंदी के शब्द है, बोलते हो ना ऐसा, हे राम कटा गणेश, ये सब आपकी इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन लिखे हुए ब्रावो प्रशंसा के लिए आज जो लिखे होते हैं सरप्राइज और वंडर के। अब आपको करना क्या है, सेड या सेड तो वो चेंज करना है आपको एक्सक्लेम के साथ, है ना। जैसे आप मीनिंग देखोगे इसमें इलाज हो जाएगा, तो आप सेड या सेड के फॉर्म को इसमें ले जाएंगे एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना, और वो चिल्लाई कैसी, खुशी में कि दुख में, तो विद लगा के बता देगा नाम लिख के, ठीक है। एक्सक्लेम भी सोरो या सैडनेस कुछ भी लिख के दे सकता है, कुछ लिमिटेड वर्ड नहीं है, ये वो वर्ड है जो ज्यादा पूछे जाते हैं। खुशी के लिए जो लिखा हो सकता है, हैप्पीनेस आ सकता है, ये सब लिख के देगा आप कंडीशन दैट लिख रहा, फिर कोई टेंशन ही नहीं। चलिए बढ़िया, देखते हैं कुछ है क्या नया प्रॉमिस किसी टाइम भी। एग्जाम सेंटर में आए, आपका पेपर गलत चला गया और आपने आपके वहां से रिएक्शन चाहिए, ये क्या था, अपने भाव व्यक्त कर दिया ना आपने, ये इंटरजेक्शन है, उर्रा बोलते आपने से, ठीक है। देखो ही चिल्लाया, एक्सक्लेम का मतलब चिल्लाना, पास में लिखना,
मैंने कहा था विद प्रीपोजिशन, मैंने बताया था अफेक्ट नाम के साथ, दुख में चिल्लाया विद सैडनेस या सोरो, कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको मीनिंग मीनिंग पढ़ रहे हैं। अच्छा इसका काम हो गया, लिखा दिया, अब सेंटेंस कैसे बचा, नेगेटिव आपको बस ऐसे करना है, आई सब्जेक्ट है, हेड आ जाएगा पास्ट में, पूरा लिखा हुआ हो अपना देखते हैं। एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड खुशी में, हैप्पीनेस खुशी है ना, जॉय हैप्पीनेस लिख सकते हो, या और किसी भी तरह का सिनोनिम यूज किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली एग्जाम में परेशान नहीं करेगा, सीधा सीधा वर्ड लिख देगा। आई सी के लिए पास के तो हेड आ जाएगा, इसी में सारे काम कवर हो गए। देखो अगर वाट इज शॉर्ट लिखा हुआ है तो उसमें इनबिल्ट जो शॉर्ट के बाद एक नहीं छुपा हुआ है वो है इट इज, क्या है इट इज, ये छुपा हुआ है यहाँ पर, वो चल चिल्लाया, इसका मतलब जब ये बात हुई होगी शॉर्ट लग रहा होगा तो बेचारे का तुम खुल ही रहा होगा वहां बैठे, क्या शॉर्ट है, ताकि दो कंडीशन एग्जामिनर बना सकता है, तो सरप्राइज वाली बना सकता है, हो सकता है उसने खुशी में ये बात बोल दी, मैंने की जगह देखा है, तो वो सेंस पे है, उसमें आपको बनना नहीं है ज्यादा, उसमें आप आ जाओ। तो मैं यहाँ पर वंडर लिख देता हूँ, आप सरप्राइज भी लिख सकते हैं, लिखना ना होंगे दैट। अब इसके दो तरीके आपको लिखने के, कैसे, अब दैट लिख गया तो नाउन होने चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए नाउन, तो या तो आप इस शॉर्ट को यहाँ पर लिख लो, ए तो मत लिखना क्योंकि ये पहले लिखा हो तो दस शॉर्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। मैं क्या लिखूं यहाँ पर, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ऐड करके पढ़ा ना, कि द शॉर्ट इज, अब यहां पर जो ये वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड डिफाइन किसको कर रहा है, नाउन को, है ना, तो इसे किसी ऐसे एडजेक्टिव में तोड़ते हो सेंस देते हैं, वर्ड को बताएगा एडजेक्टिव में, द शॉर्ट इज ग्रेट लिख दो, क्या लिख दो ग्रेट या गुड, एक तरीका तो है। दूसरा तरीका ये है कि आप इट इज से बना लो, इट ऐसे लिखा, देखो इज लिख दिया मैंने, वाज लिखो, इट को ऐसे लिखो, वाज यहां पर लेके आओ ए, अब बट जब शॉर्ट के लिए जाएगा तो ग्रेट हो जाएगा, ऐसे लिखो, दोनों में से जैसे लिखना चाहो वैसे आप बना सकते। माय टीचर सेड, how beautifully you did the banao, kaise banaoge, my teacher exclaimed with wonder, surprise, that, क्या लिखोगे, that,
आप ये जो देखो सुनो ध्यान से, ये ब्यूटीफुली जो लिखा हुआ ये डिफाइन कर रहा है इस वर्ब को, एडवर्ब है द ब्यूटीफुली के, एडवर्ब को डिफाइन ये हाउ कर रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब ही हो गया, तो ये टूट जाएगा वेरी में, किसमें टूट जाएगा वेरी में, बाकी एसर्टिव बनेगा यू के लेके आओ, है ना। अब यू जो है इसमें कोई भी थर्ड पर्सन मान लो जो, अगर यहाँ पे मेंशन ना हो कोई भी थर्ड पर्सन है जो एग्जामिनर थे, है ना, तो मैं आई मान लू, मुझे क्या है आई डिड, एड डन कर दू वैसे पास्ट में, अब ब्यूटीफुली भी लिखा जाएगा, ये हो जाएगा वेरी में, वेरी गुड। वेल्डन लिखा हुआ हो, अगर आप सुबह वेल्डन कहे तो वेल्डन जो पूरा सेंटेंस है ना ये प्रशंसा तो करता ही है, लेकिन इसका जो इंटरनली मीनिंग होता है, ये इंटरजेक्शन तो बनाती है लेकिन इसका जो इंटरनली मीनिंग होता है ना, सामने वाला आपसे ये कहना चाहता है पूरे सेंटेंस से, यू हैव डन वेल, इसका ये मतलब होता है। जब इंटरजेक्शन वेल्डन लिखते हो ना, जब ब्रावो भी लिखते है ना, मतलब वो ब्रावो भी लिख दे तो भी इसके शुरू में भी ब्रावो वेल डन, तो भी सही, अगर इतना भी लिख दे तो भी समझ जाने की प्रशंसा करता है, ध्यान रखिए ऐसे बनाइए। अगर मैं एक्सप्लेन करूं जो ये हैप्पी लिखूं तो प्लेयर्स का है वो देंगे, अगर उधर लिखूंगा तो प्लेयर्स हटाने पड़ेंगे, बाकी डेट लगा के सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो मैं एक नया वर्ड ऐड कर लेता हूँ, उसको एक्सप्लेन में लिख के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अपलोड, अपलोडेड यानी प्रशंसा है ना, अपलोडेड ना लिख के उसका फ्रेज भी लिख सकता हूँ, फ्रेज है ना, और फिर मैं यहाँ पे एंड लगा के फिर ये कहूंगा क्या कहा उसने, एंड सेइंग दैट यू हैव डन वेल लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना एक बार, यू हैव डन वेल, अच्छा यू कौन है लिस्नर, सुनने वाले कौन है प्लेयर्स, ठीक है, ब्रावो इससे पहले लिखते तो वो हिंट मिल जाएगा, वरना अगर मैं आपसे वेल डन कहूं तो मैं तो भी प्रशंसा करी हूं, ध्यान रख वेल डन यू हैव डन वेल का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस, आप इन सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे तो टोटल मे से शुरू होंगे, है ना, मे से शुरू होते हैं सेंटेंस, इसमें आपको ब्लेस का पता चलता है ऐसी बात का, किसी के लिए कोई विश कर रहे हो उसका पता चलेगा, प्रार्थना कर रहे हो उसका पता चलेगा, किसी को बदुआ दे रहे हो तो बी सी में आ जाएंगे, कर सकते हैं, तो से के फॉर्म को से टू के फॉर्म को इन चारों में से किसी में चेंज करना, बस बाकी कंडीशन डेट लगाना पूरा सेंटेंस एसर्टिव बनना। माय फादर सेड, मे गॉड ब्लेस यू, बनाइए कैसे बनाओ, माय फादर told me that my father आशीर्वाद दिए, है ना, bless bless me, इससे काम हो गया। अब that conjunction लगाओ, इसमें सारे शब्द रहेंगे, कोई गायब नहीं होगा, बस अब assertive बन जाएगा, God को लेके आप शुरू में, और may का हो जाएगा क्या वहां पर जाकर might, क्योंकि sentence किसमें लिखा हुआ है ये आपकी reporting हो past में, may का हो जाएगा might, ब्लेस यू है आपका सुनने वाला लिसनर, और यहाँ पर सुनने वाला ये है, बता
माय सिंस, मेरे पापों को क्षमा करे भगवान। क्या लिखे? He cursed. He blessed. प्रे कर रहा होगा ना? प्रे प्रे अभी भगवान माफ कर दो, भगवान 2 रुपए का छुट्टा दे दो। God my pardon is